तो आप सबका स्वागत है DCPL के पहले मैच में, जो कि होने जा रहा है RCB और CSK के बीच में। मैं हूं प्रिंस जंगरा। मैं हूं निशान जंगरा। और सिक्का उछला और गिरा है RCB के पक्ष में, तो RCB को बॉलिंग लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो और RCB ने बॉलिंग ही ली है भाई। और यहाँ से ओपनिंग करने आ रही ऋतुराज गायकवाड़, उनके साथ है रचिन रविंद्र। पहली बॉल पे आगे बढ़ने की कोशिश और ये एज लगा है और बॉल गया फाइन लेग पे, शायद 2 रन मिल सकते हैं। और ये दूसरी बॉल मोहम्मद सिराज द्वारा और लपेट के मारा है रिवर्स स्वीप, 4 रन ऋतुराज गायकवाड़ पहले मैच के अंदर ही अपना रमदम दिखाते हुए कि वो क्या नाम है उनका। गायकवाड़ को हल्के मत लेना कभी। और ये फिर से रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश लेकिन नाकाम हुए और 1 रन की प्राप्ति। सिराज ने बढ़िया कमबैक किया और फिर से शॉर्ट बॉल, फिर से बेहतरीन पुल मारा है लेकिन शायद 2 रन मिल सकते हैं। और 2 रन नहीं, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही खराब, 1 ही रन लिया है इन्होंने। ग्लेन मैक्सवेल और पहली बॉल और ये बल्ला घुमाया, लपेटा मार रहे और विकेट हो सकता है शायद। LPW एम्पायर ने मना करा, मेरे हिसाब से तो नॉट आउट है। आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से भी नॉट आउट है, इम्पैक्ट आउट हो सकता है। रिव्यू लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? मेरे हिसाब से रिव्यू नहीं लेना चाहिए और ऐसा ही, और रिव्यू नहीं लिया। और ये 5वीं बॉल डालते हुए ग्लेन मैक्सवेल अपनी, और इस बॉल पे आगे बढ़ के मारा है कदमों का इस्तेमाल पीछे फील्डर और चौका, बहुत प्यारा शॉट मारा है। फील्डिंग बहुत बेकार हो रही है RCB की तरफ से। और ये अपनी आखिरी बॉल फेंकते हुए ग्लेन मैक्सवेल ओवर की और ये फिर घुमाया है और ये शायद 6 रन, पहला 6 रन DCPL का ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ से। मयंक डागर को लेके कहीं ना कहीं विकेट की तलाश रहेगी RCB को। और फिर से इनसाइड एज लगा है, फिर से शायद 3 रन इस बार तो भागने चाहिए मेरे हिसाब से इस पे। क्या और क्या छक्का मारा, बहुत बेहतरीन रचित रेवेदा, बहुत बेहतरीन, क्या ही टाइमिंग करी है, क्या ही मस्त शॉट मारा है। अल्जारी जोसेफ को चांद पहुंचा दिया है छक्का मारने बाद, देखिए क्या बेहतरीन छक्का। 50 रन भी हो चुके हैं भाई इसी के साथ, टीम के 50 भाई 61 रन बना दिए है RCB। आपको चेस करना पड़ेगा अगर आपको जीतना है तो, स्टार्टिंग से ही आक्रामक खेलना पड़ेगा। 30 बॉल में 62 रन चाहिए RCB को, क्या RCB जीत सकती है? मुझे लगता है विराट कोहली को स्टार्टिंग से ही अपना बल्ला घुमाना पड़ेगा, वो टुक टुक करके नहीं खेल सकते इस मैच में। पहला ओवर लेके आ रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान और साथ में विराट कोहली स्ट्राइक पे। विराट कोहली को देखते हैं कैसे शुरुआत करते हैं विराट कोहली। और ये सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड चौका भाई, बहुत प्यारा शॉट। कोहली अपनी वही क्लास दिखाते हुए अभी पहले मैच में, पहली बॉल 4 रन। और ये दूसरी बॉल लेके आते हैं मुस्तफिजुर रहमान और ये छोटी बॉल और ये बल्ला घुमाया है और ये फाइन लेग की तरफ से 4 रन। विराट कोहली पूरे मूड में दिख रहे हैं आज, कोहली का बल्ला माशाल्लाह। और ये उठा के मारा है और पीछे फील्डर, चलो एक सिंगल मिल जाएगा आराम से। इनकी पुरानी टीम के सामने खेल रहे हैं 2 स्लिप के साथ मुस्तफिजुर रहमान, 5 डुप्लेसी। और ये पहली बॉल पे घुमा के 6 रन, बहुत बेहतरीन 5 डुप्लेसी, बहुत बेहतरीन। अराउंड द विकेट आ रहे हैं और ये पहली बॉल विराट कोहली आगे निकल के पीछे फील्डर और बच गया, कैच छोड़ दिया विराट कोहली का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैच हो सकता था, गेम चेंजिंग कैच हो सकता था, पर उन्होंने छोड़ दिया। अभी तक तो शुरुआत अच्छी हुई है RCB की, देखते हैं अब आगे क्या होता है। फिर एक और ये एक हेलीकॉप्टर मारा है उठा के विराट कोहली ने और ये स्टैंड्स में भाई सीधा छक्का, 6 रन। विराट कोहली अपने पूरे मूड में लग रहे हैं, पूरे मूड में 2 छक्के 2 चौके के साथ। 18 पे 29 चाहिए, देखते क्या होता है आगे। फाफ डुप्लेसी ने ऊपर उठाई बॉल, नीचे फील्डर, क्या हो सकता है ये कैच, नहीं फिर से कैच छोड़ दिया है चेन्नई ने। 2 बॉल 8 रन, 2 बॉल 8 रन, माशाल्लाह क्या मैच है पहला DCPL का, रोंगटे खड़े हो जाएंगे लोगों के। और ये बल्ला घुमाया, फिर 1 रन, 1 बॉल 7 रन। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम वो या वाला मैच ना देखें यार, सुपर ओवर है तो मजा आ जाएगा अलग से ही। पहले मैच में सुपर ओवर, क्या सुपर ओवर हो सकता है। आखिरी बॉल डेरन मिचेल सामने कैमरन ग्रीन और ये बल्ला घुमाया तेजी से सामने, 6 रन जा सकते हैं, छक्का और चौका, 2 इंच 22 यार्ड के, इतना बड़ा ग्राउंड और पूरा मैच एक 2 इंच से डिसाइड हुआ है कि 2 इंच से रह गए। और इसी के साथ CSK ने अपना पहला मैच जीत लिया है 1 रन से, बहुत बेहतरीन कोशिश करी ग्लेन मैक्सवेल ने, पर लेकिन क्या करें। तो पूरे मैच का ये पूरी समरी है और इसी के साथ पॉइंट टेबल, पहले मैच के बाद CSK टॉप पे, RCB सबसे नीचे। तो भाई हफ्ते में सिर्फ 2 बार वीडियो आने वाले DCPL की, तो सब तक सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और साथ साथ में वीडियो सिर्फ ट्यूसडे और फ्राइडे को आएगी, वो भी 11:30 बजे। तो आप जब तक बने रहना भाई DCPL के लिए। तो थैंक यू सो मच ने ज्वाइन किया।